अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। तो बाकी चीज़ें तो फाइनल हो गई, लेकिन अब रहते हैं पर्दे वगैरह और मैट वगैरह। तो उसके लिए आए हैं यहाँ पे, ये है लंडा बाज़ार। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी मौजूद हैं, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ, पूरा विज़िट करवाता हूँ। और यहाँ से थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं और चीज़ अच्छी होती है। देखिए ये सारे डिज़ाइन लगे हुए हैं पर्दों के, अभी देखते हैं कि हमें कौन सा पसंद आता है। और मैंने सामने वाले दीवार के लिए लेना है ना पूरा, ताकि वो पूरे दीवार पे आ जाए, जिसमें डोर है और वॉशरूम का डोर। वहाँ पे मैट्स पड़े हुए हैं, देखिए ये देखिए कुछ और पर्दों के डिज़ाइन लगे हुए हैं। इसमें काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइन मौजूद है और हमने भी इसी में से परचेस कर लिए। पांचों कमरों के लिए हमने लिए हैं और हमें मिले हैं 16,000 के। वैसे ये हमारे अंदाजे से थोड़े से ज़्यादा महंगे मिले हैं, लेकिन ये है कि ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी होती है, कपड़ा मोटा है और देखिए काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है। तो अभी चलते हैं यहाँ से, वापसी करते हैं। घर आ गया हूँ ना तो सुकून मिला है कसम से। बाजार मंदा जाता है तो बहुत ज्यादा थक जाता है। और ये मेरा बेड ऐसे कसम से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है बेडशीट के बगैर। लेकिन ये है कि बेडशीट वगैरह हर चीज़ जो टेलर से रेडी होके आएगी ना, तो उसमें दो तीन दिन लग ही जाने। से आप लोगों को एक चीज़ दिखाई दे रहा है, करीब जाता हूँ। इसके पीछे मैंने पूरा घर ढूंढा है, मेरा वॉलेट और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ढूंढ ढूंढ के थक गया, मैं बाहर जा रहा था, मेरा वॉलेट कहाँ गिर गया कहाँ गिर गया, मिल ही नहीं रहा। क्योंकि इसमें आईडी कार्ड है, पैसे तो छोड़ो लेकिन आईडी कार्ड और इम्पोर्टेंट। अस्सलामुअलैकुम, ये हम मरीज लेके आए हैं, इसके पित्ते में पेन हो रहा है। ये आप इसको इधर लेटा दे ताकि हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। ये हम वैसे शोर में लगा रहे थे, ये यासीन का असिस्टेंट है, ठीक है। यासीन के साथ सारा दिन शॉप में रहता है। काफी दिन बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। यासीन भाई, आपने सेटअप भी थोड़ा सा चेंज कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से, बस आप नहीं आए थे तो सेटअप तो चेंज करना पड़ता है। ये नया बनवा लिया है। माशाल्लाह जबरदस्त लग रहा है, येलो कलर में साथ में जबरदस्त हो गया। अच्छा, लड़के कह रहे थे कि आप इतने दिन बाद आए हो तो खास करके ये पार्टी हमें नुमान दे रहे। हम आ गए भाई कढ़ाई के पीछे, तो भी हमारी कढ़ाई रेडी हो रही है। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। अच्छा, हमारी कढ़ाई में भी टाइम था, 5-10 मिनट में वो रेडी हो जाएगी। तो हमने सोचा कि तब तक हम रोटियां लेके आ जाते हैं। ये मेरे साथ नौमान है जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसको रोटियां मिलेंगी और हम यहां से जाएंगे। मैंने रोटी पकड़ी हुई है और वो आगे आगे जा रहे हैं नौमान, उसने कढ़ाई पकड़ी हुई है, बहुत तेज स्पीड में जा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा थोड़ा स्लो नहीं जा सकते यार आप। ये होता है कि ठंडा होता है ये होता है कि ठंडा होता है पता नहीं ना, हम मेक्सो पे की बोलते हैं। अच्छा अच्छा, सही जी। ये ठंडा चलो जी, चलो 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 चलो। अच्छा जी, तो हमारे ये जो मीट कढ़ाई है ये पहुंच चुकी है और इंशाल्लाह अब इसको हम ऐसा खाएंगे ना कि याद रखेगी।
बस छोड़ो यार, कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। भूखा हो गई, भूख लगी है, भूखा हूँ सही है। अच्छा तो घर में आ गया हूँ, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज्यादा मजा आया। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और रही बात पर्दों की, तो वो अभी टेलर को दिए है बनवाने के लिए, जब सारे बन के आ जाएंगे तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे भाई, रोज ही दिखाएंगे। बाकी मुझे दीजिए दादा, बहुत सारा है लगेगा, दुआ में लगेगा, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज, तक गया हूँ, बस सोने लगा हूँ, बाय बाय।